सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17 में इन दिनों जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहे हैं। शो का पिछला एपिसोड भी जबरदस्त हंगामा से भरा रहा। शो के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मुनव्वर को लेकर मनारा का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। मनारा को मुनव्वर का बदला हुआ रवैया अखाड़े लगा, जिस कारण घर के कुछ सदस्य को अब लगने लगा है कि मनारा मुनव्वर को शायद एक दोस्त से ज़्यादा पसंद करती है। वही अब आज के एपिसोड के अपडेट भी सामने आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस के घर का लेटेस्ट अपडेट। बिग बॉस के घर के जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, वे कॉमेडियन और शो के सबसे तेज तर्रार सदस्य माने जाने वाले मुनव्वर फारूकी को लेकर आ रही है। लगता है मुनव्वर का शनि कुछ शायद ही खराब चल रहा है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में मुनव्वर के बोले गए एक एक झूठ से पर्दा हटता जा रहा है। पहले तो बिग बॉस ने शो में मुनव्वर के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में आई आयशा खान को शो में लाकर कॉमेडियन की बोलती बंद कर दी, और अब आयशा खान ने मुनव्वर को लेकर जो खुलासा किया है, उससे मुनव्वर की सच्चाई एक बार फिर से कटघरे में आ गई है। मुनव्वर का एक और झूठ। दरअसल मुनव्वर ने बिग बॉस के घर में बताया था कि उनका 5 साल का बेटा 6 महीने से उनके साथ रहा था, लेकिन द खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज के एपिसोड में आयशा खान बताएं कि वे पिछले 2 महीने तक जब मुनव्वर के साथ थी, तो उन्होंने कभी उनके बेटे को उनके साथ घर पर नहीं देखा। ये बात सुनकर सभी घर वाले रह गए हैरान। हालांकि इस पर मुनव्वर क्या कहते हैं, ये तो रात के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कि बाकी बातों की तरह मुनव्वर इस पर भी हामी भरते हैं, तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या वे सब जनता के दिल में जगह हासिल करने के लिए ये सब कर रहे थे।